डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग साइंस में एक नए केमिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अम्ल क्षार और लवण, या अम्ल क्षारक और लवण, क्षारक या क्षार बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा कि अम्ल क्या क्या गुण है, क्षार किसको कहते हैं। चलिए उसके नीचे एनसीईआरटी के जो बीच में प्रश्न होते हैं, उन प्रश्न को करते हैं। तो उस प्रश्न में मात्र केवल और केवल एक ही क्वेश्चंस है। अब क्या वो क्वेश्चंस है, पहले क्वेश्चंस को बोलते हैं। क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है, लिखा जाए, आपको तीन परख नलियाँ दी गई है, आपको तीन परख नलियाँ दी गई है, इनमें से एक में, इनमें से एक में आश्वित जल एवं एवं शेष दो में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है, पूर्णविराम, दूसरे में क्षारीय विलयन है, पूर्णविराम। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो, यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों को रखे हुए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ना, आपको तीन परख नली दिया है। परख नली का मतलब टेस्ट ट्यूब, इस तरीके से होता है। ऐसा ऐसा तीन परख नलियां दी हुई है, ठीक है। एक में रखा गया है आश्वित जल, एक में रखा गया है अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन यानी कि अम्ल का कोई विलयन है, और दूसरे में रखा गया है क्षारीय विलयन। यानी कि क्वेश्चन बोला कि तीन गो परख नली है, मतलब कि तीन टेस्ट ट्यूब है। एक में रखा हुआ है आश्वित जल, आश्वित जल का मतलब हुआ वह वैसा जल जो न तो अम्ल है और न तो क्षार है, समझ रहे हैं। यानी कि न ये अम्ल के कैटेगरी में आता है और न ही ये क्षार के कैटेगरी में आता है, उस जल को हम लोग कहते हैं आश्वित जल, ठीक है। हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। और अम्लीय विलयन, अम्लीय का मतलब तो समझ ही रहे हैं, खट्टा पदार्थ, और क्षारकीय लिखा हुआ है, क्षारीय पदार्थ यानी कि कड़वा। क्षार जो है स्वाद कैसा होता है, क्षार का कड़वा होता है। तो आपको तीन परख नली यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावे दोस्त एक लिटमस पत्र दिया हुआ है, और लिटमस पत्र के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं कि लिटमस पत्र थैलोफाइटा समूह से निकाला जाने वाला एक लिचेन के पौधा से निकाला जाता है। ये हम लोगों का है लिटमस पत्र, लिटमस पत्र। हालांकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि लिटमस पत्र का रंग जो होता है वो बैगनी होता है, कब, जब वो तो न तो अम्ल में डुबाते हैं न तो क्षारीय में डुबाते हैं, तब उसका रंग बैगनी होता है। लेकिन हम लोगों को जो लिटमस पत्र दिया गया है उसका कलर जो है रेड है, ठीक है। आपको इतना ही सामान दिया गया है, एक में आश्वित जल है, एक में अम्लीय विलयन है, एक में क्षारीय विलयन है, और आपको क्या दिया गया, एक लाल लिटमस पत्र दिया गया। अब इतना चीज देकर आपको पूछा जाए कि आप इस तीनों में पहचानिए कि तीनों परख नली में किसमें अम्ल है
किस में छार है, किस में आश्रित जल है। समझ में आया? यानी कि तीन गो परख नली है, परख नली के अंदर में एक में आश्रित जल है, एक में अम्लीय है, एक में क्षारीय है। ये हमको पता है कि सब में क्या क्या है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि किस में अम्लीय है, किस में क्षारकीय है। तो इसी के टेस्ट करने के लिए ये हम लोगों को लिटमस पत्र दिया गया है, उसका रंग जो है पहले ही से लाल है। तब बोल रहा है कि आप कैसे चेक करेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि रखा गया पदार्थ किस में क्या है। तो आप समझिए पहले अम्ल का क्या गुण है। तो अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन इसको हम लोग को चखना नहीं है, हमको लिटमस पत्र की सहायता से चेक करना है। तो याद रखिएगा, अम्ल जो होता है नीला लिटमस को, अम्ल कैसे होते हैं तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को यानी नीला को लाल कर देते हैं। और क्षार क्या करते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। समझ में आ रहा है? और ये जो आश्रित जल है, आश्रित जल क्या करेगा, लिटमस पत्र को डुबाएंगे तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, यानी कि नो चेंज, कोई बदलाव नहीं, ना वो रंग में बदलाव आएगा, ना कुछ में बदलाव आएगा, तब हम उसको कहेंगे वाष्पित जल। तो हम लोग अब करेंगे क्या, हम लोग अम्ल और क्षार के तो बारे में पढ़े हैं, तो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं, फिर इसका आंसर लिखवाएंगे। तो आप करिएगा क्या, सबसे पहले ये जो हम लोगों का लाल लिटमस पत्र है, इसको हम लोग तीनों परख नली में बारी बारी से डुबाएंगे। किसको? लाल लिटमस पत्र को। अगर इसमें डुबाएंगे, इसमें डुबाएंगे, इसमें डुबाएंगे, तीनों में डुबाएंगे, लाल तो था मेरा पहले से दिया गया लिटमस पत्र लाल है, और जिसमें डुबाएंगे तो लाल से अगर नीला हो जाता है, देखिए लाल से नीला हो जाएगा तो उछार कहलाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो लाल लिटमस पत्र दिया गया था उसको हम तीनों परख नली में बारी बारी से डुबाएंगे, और जिसमें अगर लाल था मेरा पहले से, अगर जिसमें इसमें डुबाएंगे या इसमें डुबाएंगे तो किसी एक में नहीं होगा नीला, तो जिसमें अगर नीला हो जाए उसको बोल देना है छार। तो एगो तो पहचान में आ गया, हमको तीनों को परख नली दिया है, तो अब की बार लाल से हो गया लिटमस पत्र कैसा, नीला। समझ में आ रहा है? तब तो एगो छंट गया, तीन गो परख नली में से एगो पता चल गया कि कौन छार है। अब हमको लिटमस कैसा रंग का हो गया भाई, तो नीला रंग का हो गया। समझ में आया? क्योंकि लाल हमको तो दिया गया था, लेकिन लाल से अब हो कैसा गया, तो नीला। तो अब नीला को फिर से, जैसे छार को छांट दीजिए, अब हम लोगों को दो गो बचा, अब नीला लिटमस को दोनों में बारी बारी से डालेंगे। तो अब नीला को फिर से जो अगर लाल कर देगा तो वो अम्ल कहलाएगा। तो अगर फिर दो गो बच रहा था, वो दोनों में डालेंगे किस कलर के लिटमस को, तो जो नीला हो गया उस नीला को हम दुग में डुबाएंगे। तो अब फिर से नीला से वापस अगर लाल हो गया तब हम उसको अम्ल कहेंगे। तो अम्ल और एगो क्षार निकल गया, तो एगो जो बाकी बच गया उसको हम आश्रित जल कहेंगे। तो हम लोग आंसर में ऐसा ही कुछ लिखेंगे जैसे भी हम लोग समझे हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे। तो चलिए इसका उत्तर सटीक वर्ड में, सटीक वे में लिखा जाए, आंसर लिखा जाए इसका। सबसे पहले लाल लिटमस पत्र को, सबसे पहले लाल लिटमस पत्र को बारी बारी से तीनों विलयन में डुबोया जाता है, बारी बारी से तीनों विलयन में डुबोया जाता है, कॉमा जिस विलयन में यह नीला हो जाता है, जिस विलयन में यह नीला हो जाता है वह क्षार है, वह क्षार है, पूर्णविराम, इसे शेष दो परख नलियों में, इसे शेष दो परख नलियों से अलग रखते हैं, यानी कि जिसको क्षार पता चल गया उसको अलग कर देना है,
इसे शेष दो परख नलियों से अलग रखते हैं, पूर्ण विराम, अब पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखिएगा, अब जो विलयन नीले लिटमस अब जो नीले लिटमस पत्र बन गया है अब जो नीला लिटमस पत्र बन गया है उसे शेष दो परख नलियों में डुबाते हैं, उसे शेष दो परख नलियों में डुबाते हैं जो जो विलयन इसे जो विलयन इसे प्रभावित करके पुनः लाल कर देता है वह अम्ल है और जो प्रभावित नहीं करता है और जो प्रभावित नहीं करता है वह आश्वित जल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यही था कि अगर तीन परख नली हमको दिया है, तीनों में अलग अलग रखा हुआ है, तो आप कैसे चेक करेंगे यदि आपको लाल लिटमस पत्र दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझें। तो ये क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के बीच का प्रश्न था। चलिए अब हम लोग न्यू टॉपिक्स को करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। तो टॉपिक बनाएंगे अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, आखिर क्या है अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, इसको पढ़ने के लिए फर्स्ट एरो देंगे। लिखा जाए, यदि सूचक का रंग परिवर्तन हो तो हमें यह पता चलता है कि वह पदार्थ अम्ल है या क्षार। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग अभी अभी पढ़े कि अगर भाई अम्ल का क्या गुण है, अम्ल का गुण है कि जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वह क्या कहलाता है, अम्ल, और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वह सूचक जो रंग को बदल दे, परिवर्तित कर दे, वो या तो अम्ल का पहचान है या तो क्षार का पहचान है। तो यदि किसी सूचक का रंग बदले तो हमें किसकी किसकी जानकारी प्राप्त होती है, या तो अम्ल की जानकारी या तो क्षार की जानकारी, क्योंकि रंग में बदलाव यही दोनों का होता है। तो याद रखिएगा कि यदि किसी सूचक का रंग अगर बदल रहा है तो दो ही चांस बनते हैं, या तो अम्ल हो सकता है या तो क्षार हो सकता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आरो देंगे, लिखेंगे कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम से भिन्न माने अलग हो जाता है इन्हें गंधीय सूचक कहा जाता है, इन्हें गंधीय सूचक कहा जाता है। जैसे, उसके नीचे जैसे लिखिएगा,
जैसे वेनिला, वेनिला कॉमा प्याज, प्याज कॉमा लौंग का तेल, लौंग का तेल आदि। अब देखिए, अब हमसे कोई पूछेगा कि गंधीय सूचक किसको कहते हैं, ठीक है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा सूचक जो हमें गंध की जानकारी दे। और जैसे कि आप सिंपल वे में हम लोग आराम से प्याज पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, एक कपड़ा लीजिएगा, घर के किसी फटा पुराना पुराना कपड़ा, उसमें ना प्याज को टुकड़ा टुकड़ा करके, छोटा छोटा टुकड़ा करके उस कपड़ा में ना आपको बांध देना है, ठीक है? और उस कपड़ा को 5 मिनट तक बांधे हुए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद कपड़ा से जो है प्याज को अलग कर लीजिए। प्याज को जैसे ही अलग करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ देर तक, बहुत अधिक देर तक उस कपड़े से भी प्याज जैसा गंध निकलते रहता है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि वैसा सूचक जिसको गंध के माध्यम से अम्लीय और क्षार में विभिन्नता पाया जाता है, अलग पाया जाता है। किसके वजह से? याद रखिए, गंध के वजह से। उसके ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे कि रंग के वजह से। यानी कि कुछ ऐसे भी सूचक हैं दोस्तों जिसको हम लोग गंध के अकॉर्डिंग अम्ल और क्षार में अलग अलग भिन्नता पाया जा सकता है। वैसे ही हम लोगों का लौंग का तेल भी है। अगर किसी कपड़ा में लौंग के तेल लग जाए तो लौंग के तेल को अगर आप छुड़ा भी लीजिए तब पर भी उस कपड़े से लौंग का जैसा गंध आते रहता है। या कभी कभी कुछ लोग तो प्याज खा के आते रहते हैं, प्याज प्याज खा लेते हैं, उसके बाद भी उनके मुंह से प्याज का गंध निकलते रहता है, ठीक है? तो इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं। और एक एग्जाम्पल में वैनिला भी याद रख लीजिएगा, ठीक है? वैनिला भी कुछ इसी तरीके से है, हालांकि वैनिला तो हम देखे नहीं हैं। और बस ऐसे एग्जाम्पल में लिख देना है, जैसे प्याज और लौंग का तेल है ना, वैसे ही कोई पौधा या फिर कुछ होगा, नेचुरल सबस्टांसेस प्राकृतिक होंगे जिसका यूज करके हम लोग गंध में यूज करते हैं। तो याद रख लीजिएगा वैनिला, ठीक है? प्याज और लौंग का तेल, ये सब तो समझते हैं, तो इसको हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है? चलिए, अब ये हम लोगों का था कि रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो यही रासायनिक गुणधर्म है कि अम्ल और क्षार में जो विभेदना है, वो बोल सकते हैं भिन्नता है, रंग के आधार पे भी कर सकते हैं, गंध के भी आधार पर कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद अब हम लोग आगे लिखेंगे टॉपिक्स। टॉपिक्स लिखा जाए अम्ल, अम्ल और क्षार का, अम्ल और क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। अब टॉपिक क्या बनाएंगे? अम्ल और क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है? तो अब ये टॉपिक्स को हम करेंगे दोस्त अगले दिन। अम्ल और क्षार याद रखिएगा, दोनों रहेंगे और दोनों किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? धातु के साथ। तब क्या-क्या होगा उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अम्ल और क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या-क्या बनेगा, ठीक है? तो दोस्तों, अम्ल और क्षार को धातु के साथ करेंगे अभिक्रिया तो क्या-क्या बनेगा, इसके बारे में हम अगले दिन विचार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।